सीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने हाल ही में लिव लव लाफ के नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की है। ये एनजीओ खास तौर पर उन लोगों की मदद करेगा जो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। लॉन्चिंग के मौके पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर दिया दीपिका पादुकोण ने। दीपिका के एनजीओ लिव लव लाफ के लॉन्च पर नीता अंबानी, आमिर खान की पत्नी किरण राव, फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा, रजत शर्मा जैसे कई सेलेब्स भी मौजूद थे। महाराष्ट्र के सीएम भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको यहाँ बता दें कि दीपिका हिंदी सिनेमा में पहली एक्ट्रेस और एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में माना कि वो डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं। हॉलीवुड में रॉबिन विलियम्स जैसे लेजेंड ने स्वस्थ होते भी सिर्फ डिप्रेशन की वजह से पिछले साल आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि अक्सर कई लोगों को डिप्रेशन की वजह से शर्म झेलनी पड़ती है। दीपिका ने लॉन्च के दौरान अपने अनुभव भी शेयर किए। उन्होंने बताया कि हमें मानसिक रोग को नफरत की नज़र से देखने की बजाय मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। मौजूदा वक्त में हम सभी तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जीना, प्यार करना और हंसना बेहद ज़रूरी है और यही जिंदगी है। जिंदगी के अनुभव हमें सीख देते हैं और बेहतर इंसान बनाते हैं। साथ ही साथ दीपिका ने लॉन्च के दौरान कहा कि उनका एनजीओ कई चरणों में काम करेगा और उसका उद्देश्य समाज में डिप्रेशन को लेकर बदनामी का अभाव हटाना होगा। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।